यहाँ पर ड्यू है और एक साइंस सेंटर का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके अलावा हमारी इंडस्ट्री एरिया के दो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, इनका भूमि पूजन होगा। दामनोत कृषि उपज मंडी हुई शुरू, आंदोलन के बाद किसान प्रशासन और व्यापारियों के बीच बनी सहमति, नीलामी कार्य नहीं होने से बंद थी मंडी। कीचड़ भरे रास्ते से अस्पताल जाने को मजबूर रहवासी, मरीजों की हो रही फजीहत, प्रशासन की अनदेखी से ग्रामीण हो रहे परेशान। हॉस्पिटल का आना जाना डेली लगा रहता है, दोनों टाइम आना जाना लगा रहता है। ऐसी स्थिति है कि पैदल आदमी यहाँ से निकल नहीं पाता है, ऐसी स्थिति बन गई रोड की, तो निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, ये है, बंदे घुटने घुटने बराबर। छिंदवाड़ा में उड़न दस्ते की फर्नीचर मार्ट पर दबिश, 98 नग अवैध सागौन बरामद, 50,000 रुपए की बताई जा रही सागौन की कीमत। हमें पिछले साल के जनरेशन में सूचना प्राप्त है, लक्ष्मण देशमुख के यहाँ रात्रि में अवैध पितरों का उद्धार करने किया जा रहा श्राद्ध, नदियों के किनारे पितरों को जल अर्पित करने लोगों की लग रही भीड़, मंत्रों के साथ किया जा रहा तर्पण। वैसे तो 16 दिन का प्रोग्राम होता है, लेकिन इस बार 17 दिन का है, एक दिन की तिथि बढ़ गई है। गुमशुदा विवाहिता की एसडीएम न्यायालय में पेशी के दौरान हुआ हंगामा, महिला को बच्चे सौंपे जाने से पति था नाराज, पुलिस ने संभाला मोर्चा। बरना थाने का मैटर था, एसडीएम कार्यालय में बयान के लिए लाए थे महिला को, और उसकी पहले शादी हुई थी, वहाँ से दूसरी जगह शादी कर रही थी, तो उसके जो पहले शादी थे उनके पति आए थे। ग्रामीणों को नहीं मिल रहा शासन की योजना का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से भी वंचित लोग, प्रशासन से मदद की आस। परेशानी क्या है तुम्हें? नहीं मिली हमें परेशानी, तबियत नहीं मिली। महंगाई, बेरोजगारियों, किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने किया जंगी प्रदर्शन, प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। जिले में बड़ी संख्या में पकड़ाई अवैध शराब, पुलिस ने 1,00,000 से अधिक की शराब की जब्त, सीएसपी थाना प्रभारी ने मिलकर की कार्रवाई। घर पे ही, उसके घर पे ही पकड़े हैं। घर में ऊपर तरफ में एक अलग कमरा बना हुआ था जिसमें ताला लगा था। पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित ने खाया जहर, परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती, पीड़ित ने पुलिस पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। आपस में निपटा लोगे कि इसका कार्यवाही होगा? तो मैं बोला कार्यवाही वार्यवाही कुछ नहीं करेंगे सर, आपस में जो भी होता है बना लीजिए, गरीब आदमी हूँ। तो बोले कि कितना दोगे? बोले बेगाने बचपन को हिंसा की भट्टी में झोंक रहे नक्सली, गिल्ली डंडा और गेड़ी चढ़ने की उम्र में नक्सली नन्हे हथियारों में हथियार थमाकर उनका बचपन छीन रहे। दंतेवाड़ा में 2013 से लेकर 2021 के बीच में 41 इनामी माओवादियों का एक सर्वे कराया गया, 10 आइटम स्केल में सर्वे कराया गया, जिसमें कि जो कि नक्सली संस्था में। शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष ने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, विभागीय कार्यों की समीक्षा की, सरकार की योजनाओं के अधिकारियों ने दी जानकारी। ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक किसान पुत्र माननीय भूपेश बघेल जी के आदेशानुसार जिस हिसाब से छोटे तबके के लोगों के लिए रोजगार का एक नया
भाव से मनाया महालक्ष्मी का पर्व। कोरोना संक्रमण के कारण मंदिरों में सीमित श्रद्धालुओं की मौजूदगी में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान महिलाओं ने सुख समृद्धि की कामना की। देवास के सतवास में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की सतवास तहसील इकाई के निर्वाचन संपन्न। ज्ञानचंद्र शर्मा बने अध्यक्ष, दीपक काश्यप उपाध्यक्ष बने। निर्वाचन प्रक्रिया है, इसमें क्या है, यह अखिल भारतीय संगठन है मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का, जिसका जो है इसका मुख्य उद्देश्य सबसे पहला उद्देश्य राष्ट्रीय है। बनावर में तहसील अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा प्रांतीय निकाय के आह्वान पर प्रदर्शन, लंबित मांगों को पूरा करने की अपील। आज ज्ञापन कर्मचारियों की विभिन्न मांगे जो लंबित है, 16% दिए, पदोन्नति रुकी हुई है, और हमारे अध्यापक संवर्ग के जो कर्मचारी है उनके सातवां वेतन के एरियर की किस्त अभी तक भुगतान नहीं हुई है, और अनुकंपा नियुक्ति के सरलीकरण के संबंध में पुलिस ने परिजनों पर केस किया दर्ज। आपके ऊपर आरोप है, बोलना तो पड़ेगा सर। सर क्या क्या वजह है कि महिला पुलिस महिला कह रही है कि आपने जो है बिना लेडी कांस्टेबल के आपने उसकी गिरफ्तारी कर लिया, जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के ले गए कर्मी? स्वास्थ्य कर्मी तो कोई विषय ही नहीं ना सर। डिंडोरी जिला चिकित्सालय में भर्ती बसंत नाम का मरीज देर रात सही इलाज न मिलने के चलते अस्पताल छोड़कर भागा। समाज सेवी ने समझा बुझाकर दोबारा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। सरदारपुर में आजादी चौक पर भगत सिंह क्रांति सेना ने भगत सिंह के जन्म दिवस पर दी जिला कर्तव्य पर माल्यार्पण किया, भगत सिंह को दी श्रद्धांजलि। बनावर में कोरोना काल में बंद हुई जनसुनवाई फिर शुरू, एसडीएम और सीओ ने सुनी समस्याएं। शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हुए हैं, कोविड काल में जो जनसुनवाई बंद हुई थी अब प्रति मंगलवार जनसुनवाई प्रारंभ हो गई है। वैसे पूर्व मंगलवार को भी जनसुनवाई हुई थी, इस मंगलवार को भी जनसुनवाई हुई, प्रति मंगलवार जनसुनवाई होगी। सभी नागर नीमच में खाद्य विभाग की सरसों महुआ ऑयल व्यापारी के ठिकाने पर छापा, जांच के दौरान ना मिलने पर कार्रवाई शुरू। नीमच जिले में अभी लगातार सुनने में मिल रहा है कि तेल का स्तर जो है वो गिरता जा रहा है, उसी तारतम्य में आज हम लोग मिल पर जो है जाँच के लिए पहुंचे हैं, और यहाँ पे जांच के दौरान ये पाया गया कि दो प्रकार के तेल जो है इनके द्वारा। छिंदवाड़ा में उड़न दस्ते के फर्नीचर मार्ट पर दबिश, 98 नग अवैध सागवान बरामद, 50,000 रुपए की बताई जा रही सागवान। रहवासी क्षेत्र में जल भराव होने से लोग परेशान, गंदे पानी में पनप रहे मच्छर, शिकायत के बाद ही नहीं हो रही सुनवाई। सांसद के पास समस्या लेकर पहुंचे रहवासी, कहा टोल कर्मचारी अभद्रता के साथ करते हैं मारपीट, सांसद ने समस्या के निराकरण कर दिया। महिलाओं ने भक्तिभाव से मनाया महालक्ष्मी का पर्व। कोरोना संक्रमण के कारण मंदिरों में सीमित श्रद्धालुओं की मौजूदगी में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान महिलाओं ने सुख समृद्धि की कामना की। देवास के सतवास में मध्य प्रदेश
शिक्षक संघ की सरबात तहसील इकाई के निर्वाचन संपन्न ज्ञान चंद्र शर्मा बने अध्यक्ष, दीपक काशिप उपाध्यक्ष बने। निर्वाचन प्रक्रिया है इसमें क्या है, यह अखिल भारतीय संगठन है मध्य प्रदेश दीपक शिक्षक संघ का, जिसका जो है इसका मुख्य उद्देश्य है सबसे पहला उद्देश्य है राष्ट्रीय है। मनावर में तहसील अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा प्रांतीय निकाय के आह्वान पर प्रदर्शन, लंबित मांगों को पूरा करने की अपील। आज ज्ञापन कर्मचारियों की विभिन्न मांगे जो लंबित है, 16% डीए पदोन्नति रुकी हुई है और हमारे अध्यापक संवर्ग के जो कर्मचारी है उनके सातवां वेतन के एरियर की किस्त अभी तक भुगतान नहीं हुई है और अनुकंपा नियुक्ति के सरलीकरण के संबंध में। नरसिंहपुर में मरीजों के परिजनों ने डॉक्टर के साथ की मारपीट, पुलिस ने परिजनों पर केस किया दर्ज। आपके ऊपर आरोप है, बोलना तो पड़ेगा सर। सर क्या क्या वजह है कि महिला पुलिस महिला कह रही है कि आपने जो है बिना लेडी कांस्टेबल के आपने उसकी गिरफ्तारी कर लिया, जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के ले गए नहीं साथ में। ये डिंडोरी जिला चिकित्सालय में भर्ती बसंत नाम का मरीज देर रात सही इलाज न मिलने के चलते अस्पताल छोड़कर भागा, समाज सेवी ने समझा बुझाकर दोबारा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। सरदारपुर में आजादी चौक पर भगत सिंह क्रांति सेना ने भगत सिंह के जन्म दिवस पर दी जिला कक्ष पर माल्यार्पण किया, भगत सिंह को दी श्रद्धांजलि। मनावर में कोरोना काल में बंद हुई जनसुनवाई फिर शुरू, एसडीएम और सीओ ने सुनी समस्याएं। शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हुए, कोविड काल में जो जनसुनवाई बंद हुई थी अब प्रति मंगलवार जनसुनवाई प्रारंभ हो गई है, वैसे पूर्व मंगलवार को भी जनसुनवाई हुई थी, इस मंगलवार को भी जनसुनवाई हुई, प्रति मंगलवार जनसुनवाई होगी। सभी नागर नीमच में खाद्य विभाग की सरसों महुआ ऑयल व्यापारी के ठिकाने पर छापा, जांच के दौरान ना मिलने पर कार्रवाई शुरू। नीमच जिले में अभी लगातार सुनने में मिल रहा है कि तेल का स्तर जो है वो गिरता जा रहा है, उसी तारतम्य में आज हम लोग यहाँ पे दुर्गा ऑयल मिल पर जो है जाँच के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पे जाँच के दौरान ये पाया गया कि दो प्रकार के तेल जो है। छिंदवाड़ा में उड़न दस्ते की फर्नीचर मार्ट पर दबिश, 98 नग अवैध सागवान बरामद, 50,000 रुपए की बताई जा रही सागवान। रहवासी क्षेत्र में जल भराव होने से लोग परेशान, गंदे पानी में पनप रहे मच्छर, शिकायत के बाद ही नहीं हो रही सुनवाई। सांसद के पास समस्या लेकर पहुंचे रहवासी, कहा टोल कर्मचारी अभद्रता के साथ करते हैं मारपीट, सांसद ने समस्या के निराकरण कर दिया। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा के बमोरी गांव में शासकीय भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त, शासकीय भूमि पर बना लिए गए थे पक्के मकान। आज बमोरी गांव में चौदह लोगों का स्कूल आते हैं, इस संबंध में खाना हर दिन बच्चा खाना और अमरवाड़ा शादी पुलिस लाइन से बल बुलाया गया है। बड़वा में पत्थर पर नाम को लेकर उपजा विवाद, लोकार्पण के शिलालेख को हटाकर नया शिलालेख लगेगा।